आज जो है पाठ एक भाषा और व्याकरण, आज बेटा आप लोगों को व्याकरण के बारे में पढ़ाया जाएगा कि भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। सवाल नंबर एक है कि मन के भावों को प्रकट करने का साधन क्या है। मन के भावों को प्रकट करने का साधन क्या है, तो सबसे बड़ी बात बेटा है जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी बेटा संसार में जीव जंतु देखते हो, इन सारे जीव जंतुओं में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने भाषा का आदान प्रदान करता है। हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेगा। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो बेटा मन के भावों को प्रकट करने का साधन क्या है, तो मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा है। अब चाहे जिसकी जो भाषा हो, कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई असमिया बोलेगा, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा, कोई मलयालम बोलेगा, तो बेटा तमाम प्रकार की भाषाएं हैं। अपने अपने भाषा के माध्यम से लोग अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। कहने का मतलब है कि मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा को लिखने की निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं, तो बेटा भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाती है। लिपि, हर भाषा की लिपि हो, जैसा कि मैंने पहले बताया था वीडियो में, हर भाषाओं की लिपि होती है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी। फारसी किस भाषा की लिपि है, तो फारसी उर्दू भाषा की लिपि है। बेटा ये हर भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है, हर भाषा को अलग अलग तरह से लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है उर्दू ऐसे लिखोगे तो ये आपका जो है ये आपकी फारसी लिपि है, ये फारसी में लिखी गई है। उर्दू भाषा है लेकिन फारसी में लिखी गई है। ये हम लिख रहे हैं राज किताब पढ़ता है। ये राज किताब पढ़ता है बेटा, ये हिंदी में है ना, लिखा है ना हिंदी में। लेकिन अगर कोई पूछेगा ये कौन सी लिपि है, तो बोलोगे देवनागरी लिपि। क्या बोलो बेटा? देवनागरी। हर भाषाओं के लिखने का एक चिन्ह होता है, ये देवनागरी लिपि में है। देवनागरी लिपि में ही हिंदी को लिखी जाती है। थैंक यू।